तो हे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, आज का सिचुएशन कुछ ऐसा भाई, मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि भाई कल जो है मतलब आज छठी है, श्री कृष्ण जी का जन्म का छठा दिन। आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ, इसको भी मेरे साथ ही बैठना है। तो आज दोस्तों छठी है और छठी के दिन श्री कृष्ण जी के लिए कढ़ी चावल का जो है वो भोग लगता है, बहुत सारे लोग भंडारा करते हैं। तो भाई सिचुएशन ऐसी है कि मैं अभी सो के उठा हूँ, लेज़ी हूँ आपको पता है, और लेज़ी भी क्यों लेज़ी कह सकते हैं क्योंकि मैं चीज़ों में घुसा रहता हूँ। कल रात एडिटिंग करने में ही मुझे तकरीबन 3 बज गए और उसके बाद मैं सोया हूँ तो लेट हो गया। अभी उठा हूँ, उठ के भाई बस चाय पीऊँगा, चाय अभी बन रही है, और चाय पीने के बाद जाऊँगा मैं कहाँ पर, रोड पर। अब रोड पर क्यों जाने वाला हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए। भाई हम लोग कर रहे हैं श्री कृष्ण जी की छठी का भंडारा, तो 12 से 1 के बीच में भंडारा होने वाला है। तो मैं अभी जाऊंगा रोड पे और रोड पे जाके देखूंगा कि क्या टेंट वाले ने टेंट लगाया है, कढ़ी चावल बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ बट दोनों छोटे भाई पापा वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं। तो मैं अभी जल्दी से चाय पी के वहाँ पहुँचूंगा और देखूंगा कि भाई हमारे भंडारे की सिचुएशन क्या है, और फिर भंडारे का पूरा लुफ्त उठाएंगे भाई दोपहर में। अभी के लिए चाय पीते हैं और आज के दिन को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों मैंने बताया भाई छठी है तो नाश्ता करते हैं। नाश्ते में आज ज़्यादा कुछ खास नहीं करने वाले हैं क्योंकि सब कुछ हम भी भंडारे में ही पी लेंगे। तो भाई नाश्ता मेरा ये है, ब्रेड टोस्ट है और मिठाई है और मेरे चस्के मस्के वाले फेवरेट बिस्किट और एक कप चाय। तो भाई नाश्ता कर लेते हैं और जल्दी से देख के आते हैं क्या तैयारियाँ चल रही है। चलो दोस्तों चाय उठाते हैं हमें। हयू माँ निशुका गर्मी। चलो तो दोस्तों चलते हैं टोलू के साथ। आ भाई ब्रो जल्दी चलो। तो मैं अपने बड़े भाई के साथ निकल गया हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं और इनके साथ जा रहा हूँ। तो गाइस अभी डैडी स्कूटी निकालते हुए नीचे ले आए ले आए। अभी निकल चुके हैं अपने भंडारे की पूरी तैयारी देखने। यहीं पे होने वाला है भंडारा भाई, रोड के ऊपर ही, और मैं तो आ गया हूँ और खाना जो है वो वहाँ से बन के आ रहा है, पीछे इसके पीछे ही वो है जगह टेंट वाले की, वहाँ से खाना बन के आ रहा है। तो चलो खाने का मुआयना भी कर लेते हैं। चले दोस्त, चलो तो चलते हैं दोस्तों, खाना देखते हैं कितना बन गया है। देखने जा रहे हैं खाना कहाँ पे है। गाइस फाइनली पूरी की पूरी भंडारे की तैयारी में देख के आ गया हूँ भाई, कड़ी चावल से लेकर के सब कुछ एकदम रेडी है। बस अब बात है 12:30 बजे की, तो अभी बजे भाई 12:05, 12:30 बजे सारा का सारा सामान वहाँ बाहर मेन रोड पे शिफ्ट हो जाएगा और फिर हम भी वहीं दिखाई देंगे आपको। तो अभी जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको भंडारे के पंडाल में। सो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई, भाई लाइट जला दो यार। सो दोस्तों मैं हो गया हूँ बिल्कुल तैयार, एकदम फिट, और भाई बिल्कुल छठी वाले माहौल में हुआ हूँ, येलो कलर के कपड़े पहन के। तो अभी जा रहा हूँ मैं सीधे भंडारे पर क्योंकि भंडारे का टाइम मैंने बताया था 12:30 का टाइम है, तो देख सकते हो 12:30 हो चुके हैं भाई। तो मैं निकलता हूँ सीधे भंडारे के लिए, मिलता हूँ आपको भंडारे के पंडाल में।
दोस्तों भंडारा जो है वो चालू हो चुका है और भीड़ आप देख लो भाई, रोड पे भी जाम, पब्लिक गाड़ी रोक रोक के खा रही है, अच्छी बात है। चलो भंडारे का लुफ्त लेते हैं, हम भी अपना सहयोग करते हैं। बहुत बढ़िया मिठाई आ जा देवा, आ जा चलिए, बहुत बढ़िया। ओहो परवीन बाबू क्या हाल है, और सुनाओ जी भाई, पूरा सहयोग चल रहा है। अरे बहुत बढ़िया, बस बढ़िया भैया। ये मोटरसाइकिल स्कूटर आगे करवा दे सोनू, मोटरसाइकिल स्कूटर आगे करवा दे भैया। क्यों नहीं करंदे भाई, मैं क्या श्रद्धालु से कुछ कहना चाहोगी? आओ आओ मैं भी आऊँ, चलो मैं भी आता हूँ फिर, ले लो भाई ले लो ले लो, चलो बेटा चलो आ जाओ, खाली पड़ा है आपको बिल्कुल ही, लो ले लो ले लो, खाली है भैया, थोड़ा थोड़ा दबा लो प्लीज। हेलो हो गया, सक्षम ले लो भाई ले लो यार। तो फाइनली दोस्तों अभी भाई भंडारा जो है हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, सारी दुनिया खत्म हो चुकी है, बड़े बूढ़े जो है भाई उनके लिए कोल्ड ड्रिंक का अरेंजमेंट किया गया है, तो सक्षम गया है कोल्ड ड्रिंक लेने, ला रहे हैं पापा ला रहे हैं। तुझे खिलवा दूँ थोड़े से, भाई सकता हूँ मैं तो खिलवाता, देखिए भाई क्या, अरे उसके लिए छोड़ देना जो आ रहा है।
दोस्तों अब जा रहे हैं भाई हम घर की तरफ। सक्षम और मैं, सक्षम इधर आ बेटा, आ जा देख ले तू। अरे दो बार आती है ना, दो बार लगा रहा हूँ, पहले तो एग्जाम वाले बच्चे जाते हैं। अच्छा, और उसके बाद जिनका फुल डे वो छोड़ देते हैं। चलो दोस्तों पहुँचते हैं घर। तो दोस्तों हमारा भंडारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया भाई। अब भंडारा फिनिश करने के बाद पूरी टीम जो है, जिन्होंने वहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, हार्डवर्क किया है, पसीना निकाल दिया भाई रोड के ऊपर अपना, अब वो यहाँ पर भी भाई प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो पसीना निकाला है भाई, वो ये दो ही हैं, एक छवि और एक छवि की चाची, और ये शिव और जूली। जूली पसीना अब निकालने के चक्कर में, नहीं नहीं जूली नहीं बेटा, नहीं नहीं कोल्ड ड्रिंक आ रही है। और देखो जूली, चलो बेटा आओ आओ, जूली भी भंडारा खाएगी, खा लो बेटा जल्दी, खाओ जल्दी, वेरी गुड, कढ़ी चावल खाने वाला कुत्ता स्पेशल है ये, खा ले बेटा जल्दी, सीधे नो बच नहीं बनी। तो दोस्तों चलो हम भी प्रसाद ले लेते हैं भाई, कोल्ड ड्रिंक आ रही है, तब तक जूली को मैं यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, प्रसाद को खिला दूँ, चलो बेटा खा लो। सो गाइस फाइनली भाई अभी भंडारा करने के बाद मैं आ गया तो थोड़ा रेस्ट करने, और भंडारे के देखो कढ़ी चावल अभी भी थोड़े थोड़े बचे हुए हैं, थोड़े से। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी करने वाला हूँ भाई मैं जूली का जो दूध है उसको थोड़ा सा गर्म करने वाला हूँ, पहले देख लेता हूँ, है तो थोड़ा सा नॉर्मली लग रहा है, बट एक बार थोड़ा सा इंडक्शन पर कर लेता हूँ तो ये ठीक हो जाएगा। और अभी जूली के ऊपर दूध पिला के लाता हूँ, और ऊपर देखते हैं माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, सारी चीज़ों का मज़ा लेके आते हैं। और अभी तक मैंने मॉर्निंग में बोला था कि मैं सोसाइटी जाऊँगा, तो अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है सोसाइटी जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। अभी इनविटेशन तो है बट बच्चों की पढ़ाई चल रही है, एग्ज़ाम है, तो 5 से 10 मिनट में ये डिसाइड होगा कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मीनवाइल मैं जूली को जो है दूध पिला करके लेके आता हूँ। चलो गेट खोल देना, चलो 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 हट जा बेटा, हट जा हट जा हट जा भाई, भाई उड़ती हुई उड़ती हुई गई, चल बेटा मैंने दूध ले लिया था ना। ट्यूशन हुआ है बेटा, पढ़ाई ठीक चल रही है, ये लो बेटा राजा बेटा पियो। तो दोस्तों दूध पीने देते हैं जूली को, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों यहाँ पे तुम्हारे भाई ने भाई उड़ा दिया पतंग, ये देखो तुम्हारे भाई का जा रहा है मंजा, और तो जल्दी से चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे पतंग उड़ाने के बाद। गाइस जैसा मैंने बोला था भाई, मैं अभी निकल रहा हूँ सोसाइटी के लिए बच्चों को लेकर के, क्योंकि वहाँ से भी भंडारे का हमारे पास इनविटेशन था, और भंडारे जैसी चीज़ के लिए इनविटेशन की क्या ज़रूरत है भाई। हमें लगता है कि भाई श्री कृष्ण की छठी है, तो भाई जम के मज़े करेंगे, जम के एंजॉय करेंगे, तो अभी निकल रहे हैं सीधे सोसाइटी के लिए। सो गाइस ये है हमारी सोसाइटी, और हम सोसाइटी के बहुत ही ज़्यादा पास पहुँच चुके हैं। अभी जा रहे हैं भाई हम मंदिर, और मंदिर में भोलेनाथ के यहाँ दर्शन करके, फाइनली मैं भी हूँ, सक्षम भी है, टोलू भी है, और इनकी मम्मा भी है, तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके भाई वापस आएंगे। तो अभी लेके चलता हूँ आपको गाजियाबाद के फेमस दुधेश्वरनाथ मंदिर। दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं। अभी पहुंच गए मंदिर, सीधे लेके चलते हैं मंदिर के अंदर भाई। बेटा देवा चप्पल घिसेल के क्यों चल रहे हैं,
चलो चलो। उधर से उधर से उधर से गाइस फाइनली अभी घर की तरफ निकल चुके हैं मंदिर से दर्शन करके। आज के व्लॉग में आपने देखा था कि आज हमने अपना भंडारा किया था, वहाँ पे डैडी और विनोद चाचू और प्रीति चाची पहले से थे और बाबा माजी भी पहले से थे। मैं तो आई थी यार, मैं और मम्मा तो बाद में आई थी और बहुत ही टेस्टी थे। सबसे लास्ट में आई थी छवि, क्योंकि छवि स्कूल गई थी भाई। अब प्लस छवि को कुछ मिला भी नहीं था खाने के। नहीं नहीं, भंडारा छवि को पूरा भंडारा मिला था भाई। तो अभी सीधे मिलते हैं आपसे घर पे पहुंचने के बाद। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मंदिर से तुम्हारा भाई वापस आ गया है। मंदिर में भी दर्शन अच्छे रहे, आज छठी का दिन था तो भाई दर्शन करके मजा ही आ गया। और अभी काफ़ी थक गया हूँ तो आज के ब्लॉग को भाई एंड कर रहा हूँ। होपफुली आपको ब्लॉग में इतना सारा कुछ होता है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। और कल फिर मुलाकात होगी एक नई चीज़ के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। और ये देख लो, एक बॉडी बिल्डर आपको एक बॉडी दिखा रहा है इधर। ये देखो, ये देखो। चलो दोस्तों, कल मिलेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।